मुंडावर उपखंड के गांव जिंदौली घाटी के पास स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय गुरुकुल में मुंडावर उपखंड के गांव पेहल निवासी युवा पत्रकार टिंकू सेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर गुरुकुल संस्थापक भगवत दयाल वेदपाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज गोपीचंद शर्मा आनंदबाग, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विशेषर चौधरी, युवा नेता हिमांशु मोखरी, धीरज सैन सहित गणमान्य लोगों ने फीता काट कर किया। इस दौरान समाज सेवी गोपीचंद शर्मा ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। पत्रकार टिंकू सेन के जन्मदिवस के अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। रक्त की एक बूंद किसी व्यक्ति को एक नया जीवन देती है, जो उस व्यक्ति के लिए चार धाम की यात्रा के समान है। जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने कहा कि जनहित की आवाज को बुलंद करने वाले क्षेत्र के युवा पत्रकार टिंकू सेन ने कम समय में ही पत्रकारिता में अपनी प्रतिभा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के कारण विश्वसनीय लोकप्रियता हासिल की है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जन्म दिवस पर इस तरह के आयोजन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस दौरान 123 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिन्हें एक एक पानी का कैंपर व भगवान राम लला की तस्वीर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जन्म दिवस के अवसर पर सुबह से शाम तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान भाजपा नेता इंद्र यादव, वेद प्रकाश, भवानी शंकर बरसीवाल, पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, रणधीर चौधरी, अशोक चौधरी, इंद्र मिश्रा, संजय स्वामी, रवि पंच, यशवंत गुप्ता, मनोज शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहे।